नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सूबे के 75,424 स्कूलों में खुलेंगे विज्ञान और गणित क्लब। जमीन रजिस्ट्री कराने वालों की बड़ी परेशानी। बिहार झारखंड आना जाना होगा अब आसान। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रखेगा थानों के मालखाने पर नजर। पाकिस्तान की टीम को लगा बड़ा झटका। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10,459 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम नीतीश कुमार। आगामी 16 नवंबर को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10,459 पुलिस कर्मियों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जिनमें 8,246 सिपाही और 2,213 अवर निरीक्षक शामिल रहेंगे। वही संविदा के आधार पर भी 140 पुलिस अधिकारियों का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए पटना रेंज के आईजी और एसएसपी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन सब में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इन 10,459 पुलिस वालों की नियुक्ति हो जाती है तो राज्य में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़कर 1,00,000 के पार पहुंच जाएगी। पटना यूनिवर्सिटी में गुरुवार से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का मजमा लगाना शुरू हो गया है। बता दें कि इस चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया गुरुवार यानी कि कल 3 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। वहीं उम्मीदवार 5 नवंबर तक व्हीलर सीनेट हॉल से ₹10 में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बाद उम्मीदवार सारे कागजात एकत्रित कर 7 से 10 नवम्बर तक नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त कागजों की स्क्रूटनी का कार्य 11 नवम्बर को किया जाएगा और इसी दिन शाम 5 बजे तक छात्रों की सूची तैयार कर दी जाएगी। वहीं वैसे उम्मीदवार जो अपनी आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं वे 12 नवंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और फिर उम्मीदवारों की अंतिम सूची 14 नवंबर को जारी की जाएगी। वहीं चुनाव 19 नवंबर को कराया जाएगा। जमीन रजिस्ट्री कराने वालों की बड़ी परेशानी। बिहार सरकार के द्वारा रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए सहूलियत देने के लिए 19 सितंबर से रजिस्ट्री सटल की शुरुआत की गई थी, जिसे केवल 1.5 महीने में ही बंद करा दिया गया। बता दें कि लोगों के द्वारा अपेक्षित रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से इस सेवा को 1 नवंबर यानी कि बीते दिन से बंद कर दिया गया है। दरअसल सरकार ने रजिस्ट्री कराने आने जाने वालों के लिए निशुल्क वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, पर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने निजी वाहनों से ही कार्यालय पहुंच रहे थे। वहीं समय के साथ बसों में लोगों की संख्या में और कमी आने लगी, जिसके बाद इस निःशुल्क बस सेवा को बंद कर दिया गया है। बिहार में चल रही है पेड़ लगाओ पैसे पाओ योजना। बिहार में कृषि विभाग की ओर से एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें पेड़ लगाने पर पैसे मिलते हैं। दरअसल पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में कृषि वानिकी योजना चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत विभाग आपको खेत में फसल के अनुकूल पौधों के बीज उपलब्ध करवाता है और ₹10,000 प्रति पौधे उपलब्ध कराया जाता है। इसके 3 वर्ष बाद कम से कम 50% पौधों के संरक्षण पर प्रति पौधे ₹60 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना का लाभ बिहार के किसान ले सकते हैं। जिन किसानों के पास भूमि कम हो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलता है। फसल खराब होने की स्थिति में पेड़ों से आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। किसान को कम से कम 25 पौधे खरीदने होंगे। आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑफलाइन है। वन विभाग के कार्यालय से संपर्क करके योजना का लाभ उठाया जा सकता है। बिहार में छठ के दिन डूबने से 42 की मौत। बिहार में लोक आस्था महापर्व छठ के दौरान सूबे के कई जिलों में नदी तालाब और पोखरे में डूबने से 53 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने संबंधित जिले के अधिकारियों को तत्काल जांच करने का निर्देश दिया है और जल्द ही सभी पीड़ित परिवारों के लोगों को मुआवजे उपलब्ध कराने का भी निर्देश जारी किया है। बता दें कि जांच के बाद जिलाधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय में रिपोर्ट सौंपेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन मौतों पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार को 4,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में ज्यादातर संख्या युवाओं की है। नीतीश के करीबी जेडीयू एमएलसी नीरज गंभीर रूप से बीमार।
नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की तबीयत खराब हो गई है। बीती रात यानी कि 1 नवंबर की रात उनकी तबीयत और भी गंभीर रूप से खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में रखा और अब उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद ले जाने की सलाह दी है। बता दें कि नीरज कुमार को एयर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद ले जाया जाएगा, या जहां उनका इलाज एक्सपर्ट डॉक्टरों की देखरेख में किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि नीरज कुमार को हार्ट प्रॉब्लम है, वहीं कुछ दिनों पहले ही उन्हें पेसमेकर लगाया गया था, जिसके बाद उनका लगातार इलाज चल रहा है। सूबे के 75,424 स्कूलों में खुलेंगे विज्ञान और गणित क्लब। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा सभी जिला शिक्षा कार्यालय को दिशा निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक सूबे के 75,424 स्कूलों में विज्ञान और गणित क्लब खोला जाए। बता दें कि जिन स्कूलों में क्लब को खोला जाएगा उन्हें 2,000 रुपए भी दिए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस क्लब में केवल विज्ञान और गणित के शिक्षक शामिल होंगे और इसमें केवल इन्हीं दो विषयों से जुड़ी गतिविधियां करवाई जाएंगी। इसके साथ ही इसमें राष्ट्रीय आविष्कार से संबंधित सारी गतिविधियां करवाई जाएंगी। अगर स्कूलों में इस तरह की गतिविधियों को बढ़ाया जाता है तो इससे इंस्पायर अवार्ड और बाल विज्ञान कांग्रेस में भी विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ेगी और इससे राज्य को अलग इस क्षेत्र में अलग पहचान मिलेगा। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र सुलझाएंगे अपराध की गुत्थी। बिहार सरकार के गृह विभाग ने बिहार राज्य में फॉरेंसिक साइंस के पढ़ाई को लेकर नई पहल की शुरुआत की है। पिछले दिनों गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार में फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई शुरू करवाने के लिए पटना विश्वविद्यालय के कुलपति से अनुरोध किया गया है। वहीं अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर आगे सब कुछ ठीक रहता है तो पटना विश्वविद्यालय में जल्द ही फॉरेंसिक साइंस की स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की शुरुआत हो जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक बिहार राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई नहीं होती है और अगर ऐसे में पटना विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की जाती है तो यह राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन जाएगा जहां फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई होगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रखेगा थानों के मालखाने पर नजर। अब बिहार के सभी थानों में ई मालखाना मॉडल लागू किया जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में किशनगंज पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि बिहार स्तर पर ई मालखाना से संबंधित प्रस्ताव को लागू किया जाए। इसके लिए राज्य स्तर पर एक सॉफ्टवेयर का भी निर्माण कराया जाएगा और साथ ही मालखानों में जब्त सामान का बारकोड कराने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा गया है। अगर बिहार में इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है तो बिहार के थानों के आगे गाड़ियों की लगी भीड़ में कमी आएगी और इससे थाने कबाड़खाने की तरह नहीं दिखाई देंगे। बिहार झारखंड आना जाना होगा अब आसान। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से लोक निजी भागीदारी के तहत बिहार राज्य के अंदर एक शहर को दूसरे शहर के बीच 62 बसों का परिचालन किया जा रहा है। इसी में बिहार से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए कुल 38 बसों का परिचालन किया जा रहा है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इससे जुड़ा यह निर्देश जारी किया है कि अगर कोई एजेंसी इसमें रुचि दिखाती है तो वे 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि एजेंसियों से बिहार के विभिन्न शहरों के बीच 27 रूट और बिहार से झारखंड के विभिन्न शहरों के बीच 15 रूटों पर बस चलाने का आवेदन मांगा गया है। निगम के द्वारा बस परिचालन का निर्णय यह सोचकर लिया गया है कि यात्रियों को सुलभ सेवा उपलब्ध कराई जा सके। इंजीनियरिंग कॉलेजों में बुधवार से होगा नामांकन। वैसे छात्र जो राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाए थे उन छात्रों को एक बार और एडमिशन लेने का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार यानी कि आज से ऑफलाइन तरीके से शुरू हो गई है और जिसकी अंतिम तिथि 14 नवंबर तक निर्धारित की गई है। बता दें कि BCECE के अनुसार सरकारी व निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में BTEC व BE में करीब 6,000 रिक्त सीटों पर नामांकन किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि वैसे छात्र जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उन छात्रों को मॉपअप राउंड में शामिल होने के लिए JEE मेन 2022 के स्कोर के साथ साथ 12वीं में भी कम से कम 45% अंक होने चाहिए। वहीं वैसे छात्र जो अनारक्षित वर्ग से आते हैं उनके 12वीं में कम से कम 40% अंक होने चाहिए। PMCH में 1.16 करोड़ का गबन। बिहार की राजधानी पटना में स्थित PMCH अस्पताल में 1,16,92,000 रुपए
का गबन का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों के रजिस्ट्रेशन करने वाले एजेंसी आरजी सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम के द्वारा यह गबन किया गया है। इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और यह आरोप लगाए गए हैं कि रजिस्ट्रेशन से मिले 1,16,92,000 रुपए अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय में जमा नहीं कराए गए। बताते चले कि एजेंसी के द्वारा इन रुपयों के साथ साथ अपने साथ मरीजों का डाटा भी ले गया है। मिली जानकारी के अनुसार पीर बहोर थाना में राकेश कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नीतीश कुमार के बयान से आहत हुए चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और सांसद चिराग पासवान ने बीते दिन मंगलवार को गोपालगंज चुनावी सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर अपना भड़ास निकाला। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने मेरे पिता के ऊपर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जिससे मुझे बहुत आहत हुआ है। मैंने आज तक उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से वार नहीं किया, बल्कि जब भी मिला तो उनके पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो मुझसे खुले मंच पर बहस करें। उनके द्वारा बनाया गया 7 निश्चय से बिहार का कुछ भला नहीं हुआ है। बता दें कि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कहा था कि रामविलास पासवान ने दूसरी शादी दिल्ली जाकर की थी, जिस पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी जताई। पाकिस्तान की टीम को लगा बड़ा झटका। एक तरफ जहां पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लग गया है। बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने अगले मुकाबले से पहले टीम के प्रमुख बल्लेबाज फकर जमा नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में चोटिल हो गए थे, जिस वजह से वह इस मैच में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस बात की जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से दे दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि फकर जमा पहले T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें नीदरलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 की टीम में शामिल कर लिया गया था, जहाँ खेल के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई और अब वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मैच में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं अगर पाकिस्तान के अब तक के सफर की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान ने 3 मैच खेले हैं, जिसमें तीनों मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए हैं। आज पटना के साथ साथ कैमूर, सारण और औरंगाबाद में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। पटना में पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे तो डीजल के रेट में 47 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं भोजपुर, रोहतास, समस्तीपुर और वैशाली जिले में तेल के दामों में गिरावट देखी गई है, जहां सबसे ज्यादा कमी रोहतास में हुई है। रोहतास में पेट्रोल के दाम में 59 पैसे और डीजल की कीमत में 56 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है। आज बिहार के 30 जिलों में तेल के दाम कल के स्तर पर स्थिर है। इसमें मुजफ्फरपुर के अलावे सिवान, पूर्णिया, नालंदा, मुंगेर, मधेपुरा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण आदि जिले शामिल हैं। इन जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम कल के स्तर पर स्थिर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, रंजीत मिश्रा, पल्लवी झा, शंकर मुखिया, मंतोष कुमार महतो, उमेश ऋषिदेव, मृत्युंजय कुमार, भीम कुमार गुप्ता, राजकुमार प्रसाद, मुतुल रंगीला, कुलदीप कुमार, रविशंकर, बाबूलाल मरांडी, भान प्रकाश मौर्य, अर्जुन राम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, स्कूलों में विज्ञान और गणित क्लब खुलने से छात्रों में क्या बदलाव आ सकता है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।